एवरी वन सलाक वेलकम टू माई चैनल क्लीन नेट्स आज हम बनाना सीखेंगे ये कैप जो कि बहुत ही आसान है स्ट्रेट नीडल्स पे बिगिनर के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है इस कैप को आप मंकी कैप बोल सकते हैं हेड गेयर बोल सकते हैं हेलमेट बोल सकते हैं या बला क्लावा भी बोल सकते हैं इसके बहुत सारे नाम है और मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊँ स्टेप बाई स्टेप इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी मेरे पेज पे कि ये बनाना सिखा दें किसी ने अपने बेटे के लिए बनानी है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं कि आप इसकी बड़ी छोटी साइज भी बना सकें यू कैन कैन ऑल्सो इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द कैप अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट्स यू हैव किसी भी जगह पे इसको पहन सकते हैं आप फैक्ट्री में काम करते हैं आपको सुबह ठंड ज्यादा लगती है बाइक चला रहे हैं उसके लिए यूज हो सकती है जिस जिस एरिया में ज्यादा ठंड पड़ती है लोग बाहर जाते हैं साइकिल बाइक यूज करते हैं काम करते हैं वो उनके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट है बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे सत्तर फंदे डालूंगी मैं जो साइज़ मुझे चाहिए उस हिसाब से फाइव एम एम की सिलाइयाँ हैं और ऊन जो है वो थ्री प्लाई है बट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको नाप और मेथड बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम सत्तर फंदे सिलाई पे डाल लेते हैं कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये वाला करना है तो आप सर्च कर लें कि कास्ट ऑन बाय क्लीवनेट्स यू कैन यूज एनी मेथड टू कास्ट ऑन स्टिचेज इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस मैथड यू कैन सर्च कास्ट ऑन स्टिचेस बाई क्लीट से लें सत्तर फंदे सत्तर फंदे स्लाई पर हमने यहाँ पे डाल लिए हैं सेवनटी स्टिचेस सत्तर फंदे अब रो वन आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेज रो वन पहली स्लाई स्लाई पे फंदे डाल लेने के बाद दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर बुनेंगे ये देखें दो सीधे फंदे, नेट टू स्टिचेस, पर टू स्टिचेस। वी आर गोइंग टू नेट टू इन टू टू रिब बॉर्डर फर्स्ट इसी तरह ही आपने दो सीधे दो उल्टे बुन लेने हैं रो वन है कीप रिपीटिंग नेट टू पर टू ये इसी तरह दो सीधे दो उल्टे बुनते जाएं सारी सिलाई इसी तरह बुन लें तो मैं आपको दूसरी सिलाई का भी एक्सप्लेन कर देती हूँ बिगनर के लिए बाकी जो आप लोग बुनाई करते रहते हैं तो वो आप दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर बुन लें मैंने सेपरेट भी ये बॉर्डर सिखाया हुआ है यू कैन सर्च टू इंटू टू रिप बॉर्डर बाई क्लीरनेट्स आप सर्च कर सकते हैं कि दो टू इंटू टू रिप बॉर्डर बाई क्लीरनेट्स वो आ जाएगा एक्सप्लेन किया है डिटेल में अभी मैं ये पहली सिलाई बुन लेती हूँ रो वन सिलाई हमने फंदे बुन लिए हैं दो सीधे दो उल्टे करके दो सीधे दो उल्टे करके सारे फंदे बुन लिए हैं पहली सिलाई टू इंटू रू रिप बॉर्डर वाली दूसरी सिलाई रो टू रो टू हमारी अब थोड़ी सी ये बात समझ लें जब रिटर्न रो होती है वन इंटू वन रिप की या टू इंटू टू रिप की तो हम सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते हैं अब ये देखें ये दो फंदे हैं ये उल्टे मिले हुए हैं दीज आर पर्ल स्टिचेस वी विल पर्ल देम दीज आर नेट स्टिचेस ये सीधे फंदे मिले हुए हैं इनको सीधा बनेंगे तो जब भी हम एक सीधा एक उल्टा वाला या दो सीधे दो उल्टे वाला रिबिंग वाला बट बनाते हैं तो बुनते हैं तो रि, रिटर्न रूपे यही होता है पर मैं आपको बिगनर के लिए बुन के बता रही हूँ ये देखें दो फंदे ये हमें उल्टे मिले हुए हैं इनका शेप इस तरह से है तो हम क्या करेंगे इनको उल्टा बुन लेंगे अब क्या करेंगे आप दो सीधे मिले हुए हैं उनको सीधा हम बुनेंगे ऑन रिटर्न रो बेसिकली यू विल ऑन पॉल स्टिचे दैट्स वी डू ऑन रिबिंग अब ये देखें दो सीधे अब ये देखें दो उल्टे मिले हुए हैं इनको उल्टा बुनेंगे अब इसी तरह से दो सीधे दो उल्टे रिपीट करते जाएं। कीप रिपीटिंग नेट टू पॉल टू ये देखें आखिर में फिर ये दो सीधे हैं और ये दो उल्टे हैं यू विल नेट दीज टू एंड पॉल टू दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर है ये कीप नेटिंग टू इंटू टू रे बॉर्डर फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर आपको जितना भी बॉर्डर रखना है स्केप के लिए आप उतना उतना बॉर्डर बुन लें छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मैं आपको नाप के दिखाऊंगी यहाँ पे मैंने बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया है जितना मुझे चाहिए इस कैप के लिए हेलमेट के लिए नाप के मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे इसकी लेंथ क्या मिली है आप लेंथ को फॉलो करेंगे निडल के नीचे से देखें नाप रही हूँ फोर इंचेस तक मुझे इसकी लेंथ मिली है चार इंचेस तक इसकी लेंथ मिली है बट आप इसको बड़ा छोटा अपनी पसंद से कर सकते हैं जितना आपने अच्छा बगैर खींचे विदाउट स्ट्रेचिंग वी हैथ नाइन पॉइंट टू विदाउट स्ट्रेचिंग क्योंकि देखें ये वन इंटू वन रिब है ना अंदर खींच लेता है अब इसी पर ही देखें स्टॉकनेट स्टिच बुनेंगे तो वो थोड़ा सा आपको बड़ी जो है वो साइज देगा आफ्टर नेटिंग बॉर्डर फ्रॉम राइट साइड ये देखें ये इसका राइट right साइड का शेप है और ये इसका रॉन्ग साइड का तो आफ्टर नेटिंग बॉर्डर रो वन बेसिकली वील स्टॉकनेट स्टिच वी विल निट फ्यू रोज ऑफ स्टोकनेट स्टिच एंड देन वी स्टार्ट शेपिंग अवर केप हम अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टॉकनेट स्टिच बुनना शुरू करेंगे जो बुनाई करते रहते हैं उनको पता है कि स्टॉकनेट स्टिच मतलब राइट right साइड से सारे फंदे सीधे और रोंग साइड से सारे फंदे उल्टे मैंने सेपरेट भी सिखाया हुआ है आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू निट स्टॉकनेट स्टिच बाई क्लीट्स तो मैं बिगनर के लिए करके बता रही हूं दो सिलाइया ताकि उनको कंफ्यूजन ना हो राइट साइड निट ऑल स्टिचेस सारे फंदे सीधे बुन लेंगे बॉर्डर बुनने के बाद पहली सिलाई आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो वन निट ऑल स्टिचेस। पहली सिलाई सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं रो वन कंप्लीटेड रो टू पर ऑल स्टिचेस दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे ये इस तरह से स्टॉकनेट स्टिच बुना जाता है कि भाई राइट right साइड से सारे फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से उल्टे देखें अब सारे फंदे इसी तरह बुन लेंगे पूरी सिलाई इसी तरह बुन लेंगे पूरी सिलाई होल रो पर कीप कीपनेटिंग स्टॉकनेट स्टिच स्टॉकनेट स्टिच में हमने चार सिलाइयाँ बुन ली हैं काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार आफ्टर नेटिंग बॉर्डर फोर रोज ऑफ स्टॉक नेट स्टिच बट आई एम शोइंग यू मेजरमेंट सो यू कैन फॉलो देट ना आपको बता देती हूँ ताकि आपको हो सकता है कि आपकी छः हों आपकी दो हों जितनी देख लें बट आपने उतना बुन लेना है टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो साढ़े चार इंचज़ है फोर एंड हाफ इंचज आफ्टर नेटिंग फोर रोज इन स्टॉक नेट स्टिच स्टॉकनेट स्टिच की ये देखें चार सिलाइयाँ बुनने के बाद बॉर्डर को मिला के साढ़े चार इंच आपको लेंथ मिलेगी अब हम शेपिंग शुरू करेंगे शेपिंग के लिए आप इसको बेशक बॉर्डर के बाद वाली पांचवी काउंट कर लें सिलाई यहाँ पहले काउंट कर लें शेप देना शुरू करेंगे फ्रॉम रो फाइव आफ्टर नेटिंग बॉर्डर विल स्टार्ट शेपिंग फ्रॉम रो फाइव पांचवी सिलाई से शेप देना शुरू करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे रो फाइव नेट एंड बाइंड ऑफ फोर स्टिचेस, चार फंदे सीधा बुन के बंद कर देंगे निट एंड बाइंड ऑफ फोर स्टिचेस ठीक है निट एंड बाइंड ऑफ फोर स्टिचेस नॉन एट ऑल स्टिचेस. सारे फंदे अब सीधे बुन लें सारे सारे फंदे राइट right साइड से है पांचवी सिलाई पांचवी सिलाई बुन ली हमने चार फंदे यहाँ पे बंद किए और सारे फंदे सीधे बुन लिए अब सिक्स रो छठी सिलाई पर्ल एंड वाइंड ऑफ फोर स्टिचेस देन पर्ल चार फंदे उल्टा बुन के बंद करेंगे और फिर सारे फंदे उल्टा बुन लेंगे दो तो, तीन चार पर्ल एंड बाइंड ऑफ फोर स्टिचेस अब सारे फंदे उल्टे बुन लें उल्टा बुन के चार फंदे बंद किए बाकी सारे उल्टे बुन लें फॉर ऑल स्टिचेस सिक्स रो छठी सिलाई पूरी हो गई है चार फंदे इधर से बंद किए चार फंदे इधर से बंद किए हैं सातवीं सिलाई सेवन्थ रो सातवीं सिलाई स्लिप वन नेट वन एंड ओवर एक फंदा स्लिप किया एक सीधा बुना और जो स्लिप किया था उसके ऊपर गुजार के बंद कर दिया इससे क्या हुआ एक फंदा और बंद कर दिया है हमने बाइंड ऑफ कर दिया है इस तरीके से अब सारे फंदे सीधे बुन टॉल स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन लिए, एक फंदा यहां से बंद करने के बाद अब आठवीं सिलाई रो एट स्लिप वन, पर्ल वन एक फंदा स्लिप किया और एक उल्टा बना अब ये पहला वाला फंदा इसके ऊपर से गुजार के नीचे गिरा देंगे बंद कर देंगे बाइंड ऑफ वन पॉल ऑल एक फंदा बंद कर दिया है अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे आठवीं सिलाई एट्थ रो पूरी हो गई है अब नाइन्थ रो उसी तरह जैसे सातवीं सिलाई बुनी एक फंदा स्लिप किया और एक सीधा बुना और फिर ये वाला फंदा इसके ऊपर से गुजार के बंद कर दिया बाइंड ऑफ वन स्टिच नॉन इट ऑल स्टिचेस अब सारे फंदे सीधे सीधे बुन लें नाइन्थ रो नाइन्थ रो पूरी हो गई है सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं अब टेंथ रो बाइंड ऑफ वन स्टिच उसी तरह जैसे हमने आठवीं सिलाई पे किया रो एट देंट पॉल ऑल स्टिचेज सारे फंदे अब उल्टे बुन लें दसवीं सिलाई दसवीं सिलाई हमारी पूरी हो गई है टेन रो कंप्लीटेड टेंथ रो कंप्लीटेड अब हमारे डिक्रीज भी हो गए हैं वी आर डन विद द डिक्रीज सिक्स फ्रॉम दिस साइड सिक्स डिक्रीजेस फ्रॉम दिस साइड चार एक एक छः फंदे इधर से घटाए चार एक एक छः फंदे इधर से घटाए अब सीधा सीधा स्टॉकनेट स्टिच बुनते जाएं मतलब राइट साइड से अब सारे फंदे सीधे रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बुनते जाएं जितनी आपको लेंथ चाहिए टोटल इस कैप के लिए पर मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे क्या उसके बाद हम शेप देंगे ऊपर हेड पे इसका कीप निटिंग स्टॉकनेट स्टिच टिल यू हैव योर डिजायर लेंथ फॉर दिस कैप आई एल शो यू मेजरमेंट्स शेप को साढ़े बारह इंचज तक बुन के कम्प्लीट कर लिया है इंचज साढ़े बारह है और थर्टी टू सेंटीमीटर है थर्टी टू सेंटीमीटर और इंचेस जो हैं हमारे पास साढ़े बारह ट्वेल्व एंड हाफ इंचज वी हैव हेयर नाउ वी विल स्टार्ट शेपिंग फॉर द टॉप हेयर अब सर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा शेप देंगे हम बहुत ही आसान मेथड मैंने चूज़ किया है आप लोगों के लिए ताकि बिगिनर्स आराम से फॉलो कर सके यू विल मार्क द हाफ यू विल डिवाइड द स्टिचेज इंटू टू एंड देन मार्क द मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट आपने जितने भी फंदे आपके पास हों सौ हों दो सौ हों पचास हों साठ हों आपने हाफ हाफ करके बीच में मार्कर लगाना है यू कैन यूज़ एनी थिंग फॉर मार्किंग यू कैन यूज़ यॉर्ट और सेफ्टी पिन एंड मार्कर वट एवर यू हैव यू कैन यूज़ इट कोई भी चीज आपके पास हो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको देखिए कन्फ्यूज ना हो कि भाई यही होगा तो ही हम बनाएंगे वी विल मार्क मिड पॉइंट ट्वेंटी नाइन हेयर ट्वेंटी नाइन हेयर उनतीस फंदे इधर उनतीस फंदे इधर बीच में मार्कर डालेंगे आपके पास जितने भी होंगे उसका आधा करना है अगर पचास है तो भी पच्चीस पच्चीस करना है मतलब जितने भी आपके पास फंदे हों दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अट्ठारह बीस बाईस चौबीस चौबीस अट्ठाईस उनतीस ट्वेंटी नाइन स्टिचे ट्वेंटी नाइन सेंटर पॉइंट बीच में मार्कर डाल दें. नाउ, रो वन फॉर शेपिंग आफ्टर निटिंग ऑल ऑफ इट रो वन फॉर शेपिंग इट विल बी इन अ स्टॉकनेट स्टिच बट विल जस्ट शेप हेयर स्टॉकनेट स्टिच ही होगा यहाँ पे बस यहां से हम शेप देना शुरू कर रहे हैं पर उसकी पहली सिलाई शेप देने की पहली स्लाई फर्स्ट रो फॉर शेपिंग नेट ऑल स्टिचेस टू द थ्री स्टिच बिफोर मार्कर सारे फंदे सीधे बुन लें मार्कर से तीन फंदे पहले तक और अगर आप इस पे कोई डिज़ाइन रखना चाह रहे हैं तो भी रख सकते हैं आपकी मर्जी है मैंने बिगनर्स के लिए ये बहुत ही आसान करके समझाया है ताकि उनको कन्फ्यूजन ना हो बाकी अगर आप बुनाई करते रहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं मार्कर से तीन फंदे पहले तक हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे ओके okay? अब तीन फंदे हमारे पास यहां पे। वी हैव थ्री स्टिचेस बिफोर मार्कर ना नेट टू स्टिचेस टू गैदर एंड निट वन दो फंदों को साथ बुना सीधा और उसके बाद एक फंदा सीधा बुना मार्कर को स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे स्लिप मार्कर इन नेट वन स्टिच आप यहां पे क्या करेंगे स्लिप स्लिप दो फंदों को स्लिप किया और फिर साथ बुन लेंगे यहां पे नेट टू टुगेदर एंड नेट वन यहां पे नेट वन एंड एस एस के स्लिप स्लिप नेट ये टेक्निक मैंने सिखाई हुई है छोटी सी इसका इसकी रीजन यह होता है कि निट टू टुगेदर की लीनिंग इस तरफ होती है डायरेक्शन और एस एस के की लीनिंग इस तरफ होती है डायरेक्शन और कोई नहीं है इसका कोई टेंशन की बात नहीं है आप निट टू, टू टुगेदर करना भी चाहें आपकी मर्जी है लेकिन ये बेहतर रहेगा अब निट ऑल स्टिचेस सारे फंदे आखिर तक तक आप सीधे बुन लें रो वन फॉर शेपिंग कंप्लीटेड पहली सिलाई जो हम शेप देने वाली यहाँ से शुरू की है वो पूरी हो गई है अब हमने क्या किया पहली सिलाई पे यहाँ पे फंदे घटाए लेकिन दूसरी सिलाई जो होगी ना और जितनी भी रिटर्न रो होंगी रिटर्न रो ऑल रिटर्न रो विल बी द सेम वी विल पर्ल ऑल स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुनेंगे कोई डिक्रीज नहीं होगा नो डिक्रीज फ्रॉम रॉन्ग साइड दिस इज रिटर्न रो ऑल ऑल स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बुन लें सेकेंड रो कम्पलीटेड दूसरी सिलाई रिटर्न रो हमने पूरी करी है सारे फंदे उल्टे बुन के अब थर्ड रो जो होगी वो सेम है रो वन पर मैं बिगनर के लिए बुन के दिखाऊंगी निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट थ्री स्टिचेस बिफोर मार्कर मार्कर से तीन फंदे पहले तक आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं मार्कर से तीन फंदे पहले तक हमने बुन लिए हैं सारे फंदे अब जैसे हमने किया पहले निट टू टुगेदर करेंगे फिर निट वन जैसे पहली सिलाई पे किया शेपिंग वाली निट टू टुगेदर एंड निट वन दो फंदों का एक किया और फिर एक फंदा बुन लिया स्लिप मार्कर एक फंदा सीधा बुनेंगे स्लिप स्लिप निट देम टुगेदर नॉन इट ऑल स्टिचेस आखरी आखिरी नहीं सारे फंदे अब सीधे बुन लें थर्ड रो कंप्लीटेड फोर्थ रो पर ऑल स्टिचेस तीसरी सिलाई पूरी हो गई है चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे ये देखिए इस तरह से उल्टे बुन लेंगे सारे फंदे चौथी सिलाई फोर्थ रो कंप्लीटेड चौथी सिलाई पूरी हो गई है फिफ्थ रो सेमे जीरो वन पहली सिलाई की तरह पांचवी सिलाई उसी तरह मार्कर से तीन फंदे पहले तक सीधा सीधा बुन लेंगे और उसके बाद वही स्टेप हियर थ्री तीन फंदों तक यहां पे हमने बुन लिया है तीन फंदे मार्कर से पहले अब दो फंदों का एक करेंगे निट टू स्टिचेस टुगेदर देन निट वन एक फंदा सीधा मार्कर को स्लिप किया फिर एक फंदा सीधा और स्लिप स्लिप नेट दो फंदों को स्लिप करके साथ बुन लेंगे अब सारे फंदे सीधे बुन लें पांचवी सिलाई हमारी पांचवी सिलाई पूरी है सिक्स रो परल ऑल स्टिचेस छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें यहां पे हमारी छठी स्लाई पूरी हो गई है हमने जितने करने थे डिक्रीज उतने कर लिए हैं अब मैं थोड़ा सा आपको नाप के दिखाती हूं कि अगर आपको इतनी लेंथ नहीं मिली है अगर पतली सिलाइया है और पतली ऊन है तो आपको कितना कितना इसको डिक्रीज करना है थ्री थ्री सेंटीमीटर है इस तरह से नापेंगे तो आपको थ्री सेंटीमीटर मिलेगा अगर आपके पास सेम नंबर की सिलाइया नहीं है इफ़ यू डोंट हैव सेम नंबर ऑफ निडल्स इन योर एन कीप डिक्रीजिंग टिल यू हैव थ्री सेंटीमीटर्स एयर अगर आपके पास सेम नंबर की स्लाइयाँ ऊन नहीं है तो आप तब तक फंदे इसी तरह डिक्रीज करते जाएंगे जब तक आपको इतनी लेंदा मिले थ्री इंचज बस थोड़ा सा शेप देने के लिए ताकि ये देखें बगैर इसके शेपिंग के भी आप इसको बंद कर सकते थे लेकिन क्या होगा कि फिर वो यूँ कोना निकला हुआ होगा थोड़ा सा उस पर थोड़ा फर्क आता है तो ये ईजी डिक्रीजिंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अच्छा शेप आएगा दिस विल give you good look. If you don't want to decrease, it totally up to you. But if you will decrease like this, it will give you good shape on the top of the head. अब हमारे decreases हो गए हैं. Now we have all decreases. अब इनको हम क्या करेंगे? अब marker से जो इस तरफ धंधे हैं, वो हम इस वाली स्लाइ पे डाल लेंगे. क्योंकि हमने इनको three needle bind off करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा beginner हैं और आपको थ्री नीडल बाइंड ऑफ मुश्किल लगे वैसे तो आप किसी भी तरीके से बंद कर सकते हो तो आप इनको सिंपल बाइंड ऑफ करने के बाद भी ऊपर से सी सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और प्रॉब्लम हो रही हो तो पर हम इसको थ्री निडल बाइंड ऑफ करेंगे जो कि वो भी बहुत ही आसान है इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत आसान है यू विल डिवाइड द स्टिचेज इन टू हाफ अब ये वाले फंदे इस पे आपने डाल लिए हैं और ये वाले ये बराबर हो गए वी आर गोइंग टू डू थ्री निडल बाइंड ऑफ थ्रीडल बाइंड ऑफ करेंगे पर अब देखेंगे कि धागा हमारा इस तरफ है वैसे तो आप इसको यूं करके भी बाइंड ऑफ कर सकते हैं यू कैन डू बाइंड ऑफ लाइक दिस एज वेल बट इज हेयर धागा इस तरफ है तो हम क्या करेंगे मार्कर निकाल दें हमें पता है ना कि इक्वल इक्वल स्टिचेज ऑन बोथ निडल्स बराबर बराबर फंदे हैं दोनों स्लाइयों पे चाहे आपके पास जितने भी हों तो आपने सिंपली क्या करना है अब आपने सलाईयों को इस तरह पकड़ना है ये देखें इस तरह से रॉन्ग साइड ये उल्टी साइड है हमारी कैप की इस तरह पकड़ लेना है इनको और हब, अब हम थ्री नीडल बाइंड ऑफ करेंगे रिमेंबर यू कैन यूज एनी मेथड टू बाइंड ऑफ देम आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं आप क्या करेंगे ये देखें जिस तरह सिंपल बाइंड ऑफ करते हैं ना उसी तरह ही होगा बस पहले एक फंदे को जो है बुन के बंद कर रहे थे अब दो फंदों को बुन के बंद करेंगे ये देखिए ये देखिए इस तरह से निटवाइज निडल डालनी है दोनों स्टिचेस में और इनको बुन लेना है मैं करके बताऊंगी फिर से निटवाइज पुट निडल निटवाइज इन टू बोथ स्टिचेज एंड निट दम न पास द फर्स्ट वन ओवर सेकेंड वन पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर से गुजार के ड्रॉप कर देंगे बंद कर देंगे जैसे बाइंड ऑफ होता है फिर से इसी तरह ही दो फंदों को बुन के ड्रॉप करा नीचे आपने और इसको इस तरह से बंद कर दिया फिर से इसी तरह करते जाएंगे दोनों नीडल्स पे बराबर फंदे हैं ये देखें अगर बराबर फंदे ना हो मतलब एक तरफ तीस हैं दूसरी तरफ है के तीस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ इतने नहीं है एग्जाम्पल के लिए तो आप क्या करेंगे एक दफा आपने तीनों को तीन फंदों को साथ बुनना है जस्ट कि भाई एक फंदा ज्यादा आ गया है इसको कैसे कम करें और बाकी ऐसे ही दो बुन के इसी तरह सारे फंदों को बंद करते जाएंगे बाइंड ऑफ ऑल स्टिचे लाइक दिस दिस इज कॉल्ड थ्री निडल बाइंड ऑफ अब गलती से दूसरा फंदा ना गिरा दीजिएगा एक उस निडल से उठाना है एक उस निडल से उठाना है ये देखें इस तरह से फिर इनको नीचे गिरा देना है और फिर इधर से बंद कर देना है इसी तरह सारे फंदों को बंद कर ले बाइंड ऑफ स्टिचेस लाइक दिस सारे फंदे इधर बंद कर दिए हैं अब ये आखिरी वाले को भी बंद कर देंगे धागे को सिक्योर करके काट देना है उतना जितना आपको विविन के काम आए अब ये देखें ये शेप आता है इसका थोड़ा सा ज्यादा नीट होता है अगर आप सिंपल वाला बाइंड ऑफ करके फिर सीते तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये थ्री नेडल बाइंड ऑफ ऐसे कहते हैं वेविन जितना काट लेंगे वेविन बाद में करेंगे अब हुडी जो है हमारी कैप बोल लें हुडी बोल लें हेलमेट बोल लें ये तैयार है वैसे देखा जाए तो आप किसी भी स्वेटर पे इस तरह गले से फंदे उठा के और इस तरह से बना सकते हैं वो भी आप कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे आगे वाला बॉर्डर बनाएंगे यहाँ पे उसके लिए फंदे आप पिक करेंगे फंदे उठाने का मैंने मेथड सिखाया हुआ है आपको डिटेल से अगर आप उसको फॉलो करना चाहें तो पिकअप स्टिचेज फ्रॉम हेयर टू तो हेयर यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ तक बट इक्वल स्टिचेस टू दिस साइड एंड इक्वल स्टिचेस फ्रॉम हेयर टू हेयर इस तरह से फंदे उठाते मैं आपको गिन के बताती हूँ कि कितने मैंने उठाए हैं अभी मैं थोड़ा सा तरीका आपको बता दूँ बिगनर के लिए वरना ये मैथड मैंने सिखाया हुआ है हाउ टू पिकअप स्टिचेज नीटली बाय क्लीन नेट्स यू कैन सर्च इट एंड वॉच इट आप सर्च कर लें कि हाउ टू पिकअप स्टिचेस बाय अब इस तरह से मैं उठा लेती हूं फंदे हमने यहां पे उठा लिए हैं साइड इक्वल होने चाहिए फंदे आपने यहां से भी उतनी उठाने हैं जितने यहां से जरूरी नहीं कि मेरे थर्टी सिक्स हो रहे हैं तो आपके भी थर्टी सिक्स हो आपकी मर्जी है आप साइज देखेंगे कि आपको क्या मिलती है उस हिसाब से उठाएंगे और ज़रूरी भी नहीं है कि एक छोड़ के एक आपने लूप में से उठाना है खाने में से आप एक छोड़ के एक से उठा सकते हैं दो दो उठा के फिर एक छोड़ सकते हैं फिर दो उठाएं वो टोटली आपकी मर्जी है बस मैंने यहाँ पे छत्तीस फंदे, फंदे 36 छत्तीस 36 from this 36 थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स फ्राम दिस मिड पॉइंट एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू पिकअप थर्टी सिक्स स्टिचेस फ्रॉम बोथ साइड पिकअप हाउ मच यू नीड फॉर वट साइज यू आर मेकिंग आप कोई भी साइज जो बना रहे हैं उसके लिए कितने फंदे उठते हैं आप उस हिसाब से उठाएंगे आफ्टर पिकिंग अप स्टिचे रो वन निट वन पर वन अब ये भी आपकी मर्जी है कि आप एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बनाएं या दो सीधे दो उल्टे वाला बॉर्डर बनाए इट इज टोटली अपू यू दैट यू वॉन्ट टू निट वन इन टू वन रिप बॉर्डर टू इंटू टू रिप बॉर्डर और समथिंग एल्स बट वी आर गोइंग टू निर्डर हम तो एक सीधे और एक उल्टे वाला बना रहे हैं आपकी मर्जी आप जो भी बनाएं एक सीधा एक उल्टा ही देखिए अगर आप बुनाई करते रहते हैं तो आप कोई भी रख सकते हैं कीप निटिंग दिस नेट वन पर्ल वन नेट वन पर्ल वन इसी तरह बुनते जाए एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फर्स्ट रो रो वन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है रो वन कम्पलीटेड फॉर वन इन टू वन रे बॉर्डर और कीप रिपीटिंग दिस रो वन फॉर योर डिजायर्ड लेंथ फॉर द बॉर्डर ये देखें यही एक सिलाई अपने रिपीट करते जानी है एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फिर उधर से भी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा जितना भी आपको जो है वो बॉर्डर चाहिए मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि मुझे कितना मिला है हमने बॉर्डर यहाँ पे बुन लिया है मैं आपको नाप के बताती हूँ कि इसकी क्या हमें लेंथ मिली है बॉर्डर की उसके बाद हम बाइंड ऑफ कर देंगे मैंने छह सिलाइया यहां पे बुनी है एक दो तीन चार पांच, सिक्स छोस बट यू विल फॉलो द मेजरमेंट आपने नाप को फॉलो करना है सिलाइयों को नहीं अगर निडल के नीचे से देखें तो एक इंच सही है वन इंच एक इंच आफ्टर निटिंग बॉर्डर टू रिबिंग बाइंड ऑफ रिबिंग पॉइंट ऑफ की वीडियो आपको मिल जाएगी यू कैन सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीन आप ने अगर सीखनी हो तो अगर, अगर आप, आपको आता है तो आप कर लें रिबिंग बाइंड ऑफ हम इसलिए यूज़ करते हैं कि वो ज़्यादा टाइट नहीं होता तो रिबिंग में हम जब भी फंदे बंद करते हैं तो उनको इसी तरह बंद करते हैं इसको हम रिबिंग बाइंड ऑफ बोलते हैं फिर चाहे वो दो सीधे दो उल्टे पे हो एक सीधे एक उल्टे पे हो इसी तरह से सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे और बंद कर देंगे उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और बंद कर देंगे फिर से सीधा फंदा सीधा बुन लें फिर दिस पर्ल स्टिच निट ऑन निट स्टिच पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड देन जस्ट कीप क्लोजिंग देम। दिस इज द रिबिंग बाइंड ऑफ इफ यू आर बिगिनर सर्च द वीडियो रिबिंग बाइंड ऑफ बाई नेट्स। इसी तरह सारे फंदे बंद कर दें क्लोज दीज ऑल स्टिचेस सारे स्टिचेस बाइंड ऑफ कर दिए हैं बंद कर दिए हैं यहाँ पे धागे को सिक्योर करके काट लें अपने धागा उतना काटना है जितना साइड सीने के काम आ जाए यहां तक तो मतलब आपने इसका डबल लेंथ का काटना है धागे को सिक्योर करके काट लें अब हमारी यहाँ पे जो है हेड गेयर बोल लें हेलमेट बोल लें बाला बोल लें मंकी के बोल लें रेडी हो गई है अब आपकी मर्जी है कि यहाँ पे बटन लगाएं ये भी आपके पास ऑप्शन है वैसे देखा जाए तो अगर आप चाह रही हैं कि यहाँ पे बटन लगाएं तो भी लगा सकते हैं सीना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं इट्स टोटली अप टू यू दैट इफ़ यू वॉन्ट टू पुट बटनज ओवर हेयर और यू जस्ट वॉन्ट टू स्टिच इट अप इट्स टोटली अप टू यू बट आई एम गोइंग टू स्टिच इट अप मैं यहाँ पे आपको सी के दिखाती हूँ फॉर दोज उनके लिए जो सीना चाहते हैं आई एम गोइंग टू स्टिच इट अप फॉर दोज हु वॉन्ट टू स्टिच इट अप ये सीने के लिए आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीका जो आपको आता हो वो इस्तेमाल करके इसको बंद कर सकते हैं आपकी मर्जी है सिंपल मेथड है ये साइड सीने का मैंने पहले भी सिखाया हुआ है यहाँ पे जस्ट इसको अटकाएंगे पहले और फिर दो आपने यहाँ से लेने हैं लाइने और दो यहाँ से जी जो आपको चेन दिख रही है ना ये वाली ये यहाँ से इसको बंद करते जाना है ये मेथड मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है आपको मेरी वीडियोस में होगी टेक्निक्स दो दो आपने उठाने हैं रोज़ अगर एक एक भी उठा के बंद करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं आप कर सकते हैं देखिए okay. दो दो भी उठा के बंद कर सकते हैं एक एक भी उठा के बंद कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको बंद करना चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा बंद करके इसको खींचते जाएं ताकि अटके ना कहीं पे। इसी तरह से बंद कर देंगे सारे सारे पार्ट को यहां तक हमने यहाँ पे इसको सी दिया है अब इसको धागे को अटका के आपने पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पे वेव इन कर लेंगे यू कैन यूज़ एनी मेथड टू वेव इन स्टिचेस कोई भी मेथड इस्तेमाल करके फंदों को वेव इन कर लें जो भी आपको आता हो वेव इन लेटर यहाँ पे ये कैप हमारी ये बलाखलावा ये मंकी कैप हमारी रेडी हो गई है इसको बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे क्लीन नट्स के नाम से है और अगर इसमें आपको दूसरी साइजेस और दूसरे डिज़ाइन सीखनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सिखाऊँ ये बेस्ट प्रोजेक्ट है बिगनर के लिए आप ज़रूर बनाइएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्लाह हाफिज़